तो आज हम देखेंगे कि साला ये एल्गोरिथम किस चिड़िया का नाम है. सो फर्स्ट वी विल लुक एट इट्स फॉर्मल डेफिनेशन एंड देन वी विल ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट बाय लुकिंग एट सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स. सो एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नो इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इफ फॉलोड अकम्प्लिशेस ए पर्टिकुलर टास्क विच इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव. नाउ इन दिस डेफिनेशन देयर आर थ्री की टर्म्स: फाइनाइट, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. नाउ सपोज यू हैव अ क्रश ऑन वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड यू वांट टू आस्क हर ऑन अ डेट. सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू आस्क हर ऑन अ डेट एंड यू आर द इंपोर्ट एज वेल एज योर क्रश. अब देयर आर डिफरेंट वेज टू डू इट. वन वे इज कि यार सॉरी यू डोंट हैव अ बाइक सो यू गो टू योर रूममेट एंड यू आस्क फॉर अ बाइक. यार बाइक दे दे, लड़की को प्रपोज करने जाना है. वो भी खुशी खुशी दे देगा सोच के कि चलो यार इसकी पिटाई होने वाली, दे दो इसको बाइक. यू टेक द बाइक, यू गो एंड कन्फ्रंट द गर्ल, यू प्रपोज टू हर. हो सकता है वो आपको थप्पड़ मार दे और ये भी हो सकता है कि जेल जाना पड़े. दिस इज वन वे टू डू इट. अनदर वे टू डू इट, आप उसको लेटर लिखते हो. ऐसे ही आप उसको और लेटर लिखते हो, महीना डेढ़ महीना आप उसको लेटर लिखते रहते हो. खैर लेटर आजकल कौन लिखता है, व्हाट्सएप ही करोगे. बट द पॉइंट इज कि महीना डेढ़ महीने बाद जाके आप उसको प्रपोज मारते हो एंड शायद वो इस बार मान जाए. Everything set, everything cool, ये. अब आपने जो ऑब्जेक्टिव आपको रीच करना था उसको आपने दो डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया. तो ये आपका इनपुट प्रोसेस और आउटपुट है, ये हो गया आपका एल्गोरिदम. दिस इज योर एल्गोरिदम वन, दिस इज योर एल्गोरिदम टू. जो आपने एक्शंस लिए दोज आर योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव इज दैट टू आस्क फॉर योर डेटा, राइट. I'm not trying to understand the third term, which is finite. Finite को समझने की कोशिश करते हैं, इसको differentiate करने की कोशिश करते हैं finite को infinite से. मान लो ये जो आपकी crush है, ये ना आपको हाँ करती है ना आपको ना करती है. आप basically उससे पूछ ही नहीं पाते कि date पे चलना है कि नहीं चलना है. Basically इसने आपको friend zone कर दिया है और आपका objective कभी reach ही नहीं हो पाया. So there are two things to remember here. First of all, यार ऐसी लड़की के पीछे मत पड़ना प्लीज जो friend zone कर दे. एंड सेकेंड थिंग कि अगर वो आपको फ्रेंड जोन कर देती है तो वो इनफाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए. बट फाइनाइट सेट क्या है? दैट यू आर कॉन्फिडेंट कि यार चलो साल बाद दो साल बाद यू आर फाइनली गोइंग टू आस्क हर ऑन अ डेट. यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट एंड दैट इज 100% श्योर. वो हो गया फाइनाइट. ठीक, तो दिस इज इट्स डेफिनेशन. अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं उस सिचुएशन को. अब जो लड़की आपको पसंद है वो आपके रूममेट को ही पसंद है, आपके पड़ोसी को ही पसंद है. अब आपका रूममेट आपको बाइक तो देगा नहीं यार, देखो. तो आपको कोई मे बी डिफरेंट ही कोई थर्ड अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी जो कि इनसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी टू आस्क हर ऑन अ डेट. उस अप्रोच में मे बी टाइम भी ज्यादा लगेगा, मे बी पैसे ज्यादा लगे एंड 100% स्ट्रेस तो होगा ही होगा. तो जो आपका टाइम ज्यादा लगा दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर अप्रोच. जो स्ट्रेस हुआ दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर अप्रोच. ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ा दिए. पहले आप और आपकी क्रश थी, अब दो लोग और आ गए. ऐसे ही जैसे जैसे हम और लोगों को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, और टाइम की भी और स्पेस की भी. ठीक, सो दिस इज एल्गोरिदम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर यू इन द सिंपलेस्ट फॉर्म पॉसिबल.